Okay, students, so as you can see that in dense irregular tissue, irregular pattern of fibroblasts and fibers, the fibers that are mainly collagen or mostly collagen is seen. Where is this dense irregular tissue present? It is present on the skin, inside the skin. Now, cartilage. Now, again, हमने connective tissue start किया. Connective tissue में हमने dense connective tissue को start किया. उससे पहले हमने loose connective tissue को start किया था. Dense connective tissue में हमने दो types के connective tissue को read किया. That is irregular connective tissue and regular connective tissue. Irregular connective tissue are present under the skin and इसमें क्या है? Irregular patterns देखने को मिलते हैं. हालांकि जो regular connective tissue है, उसमें हमें एकदम से पैरलर अरेंज्ड प्रॉपर रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं. नाउ कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अब हम हमारी कनेक्टिव टिश्यू की थर्ड कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. इन दिस द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल. प्लायबल क्या होता है? ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स ये सॉलिड और प्लायबल होता है, मींस बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. कार्टिलेज इज द प्लेस जहां पे हमारी स्किन है वो सॉलिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है एंड रेजिस्ट द कंप्रेशन. एज यू कैन सी दिस इज द कार्टिलेज सेल इन द डायग्राम एंड कोलेजन फाइबर्स आर arranged in a regular pattern. उसके बीच में हमारे कार्टिलेज सेल्स है जिसकी वजह से ये जो कार्टिलेज है दैट इज सॉलिड एज वेल एज प्लायबल. कार्टिलेज सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोला जाता है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग बिकॉज आपको अगर क्वेश्चन आया तो वो कॉन्ड्रोसाइट्स के बेसिस पे आएगा. कार्टिलेज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. These are enclosed in the small cavities within the matrix secreted by them. ये जो cartilage cells हैं ये cavities के अंदर बंद होते हैं matrix के अंदर. जो matrix इनके through secreted होता है उस matrix के अंदर ये क्या होते हैं? Enclosed होते हैं small cavities के अंदर. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. ये जो कार्टिलेज है एडल्ट्स के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट्स के अंदर दीज कार्टिलेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बोन्स. कार्टिलेजेस प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, जॉइंट्स, इन द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स. हमारे कार्टिलेज जो है टिप ऑफ द नोज को आप देखते हो दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल. इसको हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. थस टिप ऑफ द नोज इज एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज. एंड ईयर का पिन्ना पार्ट कौन सा होता है? पिन्ना पार्ट इज द एक्सटर्नल ईयर एंड इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं. ओके, नाउ बोन. व्हाट इज बोन? बोन इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ये कनेक्टिव टिश्यू की होती है बिकॉज ये ऑल्सो ये भी क्या करती है? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करती है. एज वी नो दैट देर आर 206 बोन्स इन आर बॉडी एंड दीज बोन्स आर अरेंज्ड इन दिस वे. बोन सेल्स आर सीन इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने. जो बोन्स होती हैं, दे आर हार्ड एंड नॉन प्लाय
प्लायबल मैट्रिक्स, वो जैसे कि हमारा जो कार्टिलेज था दैट वॉज प्लायबल, दैट वॉज फ्लेक्सिबल, उसके कंपैरेटिवली जो बोन्स हैं दीज आर नॉन प्लायबल मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, जो बोन्स को उसकी स्ट्रेंथ देता है. बोन सेल्स आर सीन इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने. लैक्यूने नेम की कैविटीज में हमारे बोन सेल्स देखने को मिलते हैं. इनका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज हार्ड, नॉन प्लायबल, मूवेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारी जो बोन्स होती है दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक है, वी कैन नॉट मूव द बोन्स इन दैट वे. हमारी मसल्स हैं हमें फ्लेक्सिबल बनाती है, लेकिन बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. जैसे कि हमारी फोर, जैसे लेग की हमारी हाइंड बोन है, उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं. जॉइंट की हेल्प से वी कैन मूव द लेग इन डिफरेंट वेज, बट वी आर नॉट एबल टू मूव अवर बोन, क्योंकि बोन का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज नॉन प्लायबल, जिसमें जो सेल्स होते हैं बोन सेल्स दे आर अरेन्ज इन डिफरेंट वेज. These are arranged in different ways. Yeah. Okay. तो next part पे चलते हैं. Next part is specialized connective tissue में bone हम read कर रहे हैं and bone के बारे में थोड़े और functions पढ़ते हैं. बोन है हमारा structural frame बनाता है. Bone provides the structural frame to the body. It supports and protects the softer tissue and organs. Brain है, brain के around भी जो bones हैं वो arranged हैं, heart के around भी bones arranged हैं, lungs के around जो ribs हैं वो arranged हैं. Limb bones serves weight bearing functions. जो हमारी limb bone है वो weight को bear करने वाले सारे काम करते हैं. Take part in locomotion and movement. Locomotion and movement है, structural support है, खड़े होना, बैठना, कोई भी टाइप का पोस्चर मेंटेन करना, ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम बोन करता है. बोन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. बोन मैरो में हमारे जो बोन सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. बोन सेल्स बेसिकली आर प्रेजेंट इन द लैक्यूने बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. बोन मैरो क्या होती है? अगेन बोन मैरो इज द स्पेसेस प्रेजेंट, कैविटीज प्रेजेंट इन द बोन्स. नाउ Our next type is, first type हमारी जो specialized connective tissue में थी that was cartilage. Now we had read about bones. Bones के बारे में हमने सारी details पढ़ ली हैं. And our next type is blood. Blood is a very very important kind of connective tissue because blood क्या करता है? बहुत सारे important काम करता है. But first of all, let us read about what exactly blood is. A fluid connective tissue. Containing plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. Fluid connective tissue है, fluid मतलब flow करने वाला, watery connective tissue है. Connective tissue क्यों है? क्योंकि ये भी क्या है? हमारी पूरी body में move कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी पूरी body के different nutrients, products का transportation blood कर रहा है. A fluid connective tissue containing plasma. इसके parts क्या है? इसका जो watery part है, that is basically the plasma, red blood cells are the red cells that are present, white blood cells are the white cells that are present, and platelets are the clotting cells that are present in the blood. What is the function of blood? It helps in circulation of various substances. As blood moves through the whole of the body, it helps in circulation of various substances. Yes. Now, functions पढ़ लेते हैं हम blood के एक बार. देखो, अब हम पार्ट्स ऑफ द ब्लड करते हैं. हमने किया है आरबीसी. बेसिकली जो आरबीसी है हमारा रेड ब्लड सेल क्या करता है? बेसिकली इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन.
जो ऑक्सीजन है, जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी में, वो कौन करता है? रेड ब्लड सेल ही करता है. देन नेक्स्ट पार्ट इज द WBC. WBC इज नोन एज द व्हाइट ब्लड सेल. जो व्हाइट ब्लड सेल है बेसिकली वो क्या कर रहा है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है. एंड ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन. ब्लड कोएगुलेशन से ये क्या करते हैं, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड लॉस प्रिवेंशन. अब ये चीज क्या है, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ये बात सबको पता है कि ब्लड के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता. और अगर इन केस ब्लड इन केस किसी पर्सन का ब्लड लॉस हो गया तो पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ द ब्लड लॉस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड हमारा मेन कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज एक्टिंग एज द कनेक्टिव ऑर्गन, कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन ऑल द ऑर्गन्स. इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. एंड जो मेन फंक्शन है ब्लड का, चाहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे इम्यूनिटी है, ब्लड के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, तो एक्सक्रीशन भी नहीं हो पाएगी. इन दिस वे हमारी बॉडी के सारे जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं हो पाएंगे. थस बीइंग एन इंपॉर्टेंट being an important type of connective tissue, blood also prevents performs all the vital functions. On the other hand, it also maintains the body temperature. Temperature, हमारी body का जो temperature है वो blood ही maintain करता है, जिसकी वजह से, वरना क्या हो, हमारा दिमाग हमेशा गर्म रहे और जो हमारा दिल है वो हमेशा ठंडा हो. अगर ब्लड सर्कुलेट ना करे हमारी बॉडी में, तो हमारी पूरी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा. ऑन द अदर हैंड, इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, ब्लड फ्लोस थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड के बारे में बाकी जो डिटेल है हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में करने वाले हैं. एनसीईआरटी में बेसिकली आपकी इतनी ही थी इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड, एंड इसी से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है वो खत्म हो रहा है. सो